Good morning, students. Today we are going to start with new chapter, that is admission of a partner. Okay. So earlier we have done reconstitution of partnership, fundamentals of partnership. Now this is a chapter which is concerned about what are the terms and conditions, why do we go for admission of a partner, and when we are going for an admission of a partner, so what are the aspects which we have to take into consideration for admitting a new partner into the business organization. Okay, matlab ke kya profit sharing hogi uski, क्या गुडविल लेकर आएगा क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है, ओके क्या कैपिटल लेकर आएगा और उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये सारा जो आपका है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी गोइंग फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. Okay, what is the need of admission of a partner? Admission of partner un conditions mein ki jati hai when we need extra amount of capital for expansion of business. Okay, another is when we are feeling that there is somebody who is competent and experienced and can contribute towards the organizational growth, so we are going for admission of a partner. Okay, or we want to increase and reputation of the business by associating with us the renowned individuals, that is the another reason. Okay, or it can be to encourage a capable employee to become a partner rather than being manager of the company, but become partner of the company so that he feel more associated with the company and he contributes more towards the organizational growth and development. So ye kuch aise reasons ho sakte hain jinke karan hum admission of a partner karte hain. Ab admission of a partner jab hai sorry, क्या हम कौन सी ऐसी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं ऑन द एडमिशन, बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स विच वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन सो दैट वी कैन हैव प्रॉपर एडमिशन ऑफ दैट पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप. तो देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच आर देयर. फर्स्ट इज calculation of profit share, of new profit share. एक तो ये करेंगे. दूसरा we'll calculate the value of goodwill to be brought in by a new partner. Okay, फिर तीसरी चीज क्या करेंगे इसमें, revaluation of assets and liabilities. फिर फोर्थ हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स. ओके रिजर्व बहुत तरह के रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, प्रॉफिट है या लॉसेस हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो ये है. और फिर है हमारे पास
adjustment of capital of new partner on the basis of old. ये आपके पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे करेंगे वो देखो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। अब उन वेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। ओके, तो द फर्स्ट केस, केस नंबर वन क्या है? केस नंबर वन, when share of old partners is given and new partner is admitted for a particular share, ठीक है जी। पुरानों का दिया हुआ है और नया किसी एक हिस्से के लिए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओके, नाउ सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस कंडीशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। शॉर्टकट में बाद में बताऊंगा, पहले आप लॉन्ग कट देखो। देखो जी, पहले हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं तो उनकी रेशियो है 3:2। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 था। ये 1 आपके किस रेशियो में बटा हुआ था? 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। ओके, अब न्यू कंडीशन, ये तो ओल्ड कंडीशन थी। न्यू कंडीशन में ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 1। ओके, और सी कितने? सी इज हैविंग ए 1/4 शेयर, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। सो ए प्लस बी प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 1-1/4। तो अब ए बाय बी के पास कितना हिस्सा रह गया? 3/4। ओके जी, और उनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। तो अब ये जो शेयर है 3/4, ये किस में जाएगा? 3/4 × 3/5 एंड 3/4 × 2/5, ठीक है जी। तो ये हिस्सा किस में बटेगा? 3:5 और 2:5 में। फाइन, तो क्या आ जाएगा? 9/20, 6/20। तो न्यू रेशो क्या बन जाएगी?
9:20 ratio 6:20 ratio 1:4 और इसको ऐसे कर दें 5:5 से मल्टीप्लाई कर दें तो और दिस विल बिकम 9:6:5 ठीक है ये तो आपकी क्या बन गई न्यू रेशो ओल्ड रेशो क्या थी आपकी ये ओल्ड रेशो थी ओके सो सैक्रिफाइसिंग क्या बनेगी आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बन जाएगी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ओके ओल्ड रेशो कितनी है 3:5 माइनस 9:20 ओके 2:5 माइनस 6:20 कितना हो गया 20 कॉमन 4 12 माइनस 9 और ये भी 20 8 माइनस 6 3 सैक्रिफाइसिंग क्या आ गई 3:2 ओके तो ये तो आपने लॉन्ग कट के थ्रू समझा है ओके कि ये क्या रेशियो होगी आपके पास इसको हम सिंपल टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करें अगर ऐसी आपके पास क्वेश्चन आ जाए क्योंकि अगर आप इतने लंबे प्रोसेस से जाओगे तो मेन क्वेश्चन नहीं होता है ओके तो हमने इसकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ रखी है वो क्या है दैट इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ये आपके पास है ओके तो 1:4 अब वो सील 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है तो वो ए और बी से कितने रेशो में लेगा वो लेगा ओल्ड रेशो में सैक्रिफाइस मतलब आपने क्या किया था सी इज कमिंग फॉर 1/4 ऑफ शेयर तो रिमेनिंग जो ए और बी का हिस्सा है वो ओल्ड रेशो में बटेगा मतलब जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को क्योंकि हमने कोई और टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी हमने कहा सी को 1/4 हिस्सा देना है तो 1/4 हिस्सा कौन देगा ए एंड बी देगा और ए एंड बी किस रेशियो में देगा ये बताया नहीं जब कुछ नहीं बताया तो मतलब ओल्ड रेशियो में ही देगा तो इस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो ही आपकी क्या बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी तो सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर हियर विल बी 3:2 अब सिर्फ आपको न्यू रेशियो निकालनी है ओके न्यू रेशियो निकालनी है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 ए प्लस बी प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 नाउ दिस 3/4 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी In 3:2, that is 3/4 into 3/5 and 3/4 into 2/5, that is 9:20 and 6:20. Okay, so new ratio will be 9:20, 6:20, ratio 1/4. This is ये है आपका केस नंबर 1 ओके अब इसमें एक और केस नंबर 2 पे आ जाते हैं हम ओके सो ये केस नंबर 1 है आपके पास अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर
okay. Case number two says that when the new partner purchases his share from old partners in equal ratio, ठीक है जी, इसमें ले रहे हैं इक्वल रेशियो में ले रहे हैं, फाइन। अब यहां पे फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर टू पे देख लीजिए। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, राम एंड श्याम sharing profit and losses, 7:5, okay. They admit Gopi as new partner for 1/6 year. आप Gopi को लेकर आए हो 1/6 year के लिए, okay. अब आगे क्या statement दे रहे हो, which he acquires equally from Ram and Shyam. तो Gopi इस हिस्से को कहाँ से ले रहा है, ये राम ये श्याम, 1/6 × 1/2, 1/6 × 1/2, 1:1 में ले रहा है, इससे राम एंड श्याम से, ओके। तो राम ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12, श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12, तो क्योंकि राम और श्याम से वो किस रेशो में ले रहा है, 1:1 में ले रहा है, तो यही आपकी क्या हो गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो, यही आपकी क्या हो गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई। और न्यू रेशो क्या हो जाएगी आपके पास, सेवन बाय ट्वेल्व माइनस 1/12, ओके, 5/12 माइनस 1/12, ओके, एंड देन 1/12 प्लस 1/12, सो 6/12 रेशियो 4/12, सो दिस इज न्यू रेशियो, दिस इज व्हाट योर न्यू रेशियो, okay. So this is how you are going to calculate new ratio, okay. Now let's see another example, B part of this, this is A part, now B part of this question, that is ABC (3:2:1), okay. They admitted D as new partner for 1/8 year. Okay. Which he acquired 1/16 from B and 1/16. So 1/16 किससे लिया है, B से, 1/16 किससे लिया है, C से, ठीक है। तो सैक्रिफाइस कितना हो गया आपके पास, वन रेशो वन, ठीक है जी। ये तो किसने किया सैक्रिफाइस, सिर्फ डी और सी ने सैक्रिफाइस किया है, ओके। तो न्यू रेशो कितनी आ गई आपके पास, 3/6, इसको तो कुछ नहीं करोगे, 2/6 माइनस 1/16 एंड देन 1/6 माइनस 1/16 एंड देन 1/16 प्लस 1/16 और 3/6
या गया 96, 32 माइनस 6, ठीक है, 96, 16 माइनस 6, और यहाँ पे क्या गया 2/16, और 3/6, 26/96, 10/96 एंड 2/16। अब सबको 96 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48/96 रेशियो 26/96 रेशियो 10/96 रेशियो 12/96। तो ये आपके पास न्यू रेशो बन गई है, ओके। और सेक्रीफाइस क्या हुआ, 1:1, वो भी किसमें, बी और सी में सेक्रीफाइस किया गया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड we are going to find out the sacrificing ratio when the case is that there are partners and a new partner is admitted and he is getting share equally from the old partners, okay। So usme equally mein sacrifice ko kitna ho gaya, equal, okay। Aur fir aap apna new ratio nikal lo, वो माइनस करके जिसने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है ओल्ड रेशो में से, जो सेक्रीफाइसिंग पार्ट है वो माइनस करके आप क्या निकालोगे, न्यू रेशो जितने कैलकुलेट कर लोगे। नाउ लेट्स डू थर्ड इलस्ट्रेशन ऑफ द सेम केस। Third illustration is Suresh and Ramesh are partners. Five ratio three in the profit sharing ratio है, okay? On 1st April 2018, they admitted D. कब? 1st April 2018 को उन्होंने D को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, ओके। फाइन। एंड ऑन 31st जुलाई दे एडमिटेड करण एज, ऑन 31st जुलाई दे एडमिटेड करण, ओके, कितने हिस्से पे, 1/6 share which he acquired equally, which he acquired equally from Suresh, Ramesh and from Suresh, Ramesh and Deepak, okay। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालनी है इसमें और सैक्रीफाइस करना। देखो पहले क्या था हमारे पास, सुरेश एंड रमेश ओल्ड पार्टनर्स हैं 5:3 के लिए और डी 1/4 शेयर के लिए। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था कि ओल्ड पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर आया पर्टिकुलर शेयर के लिए एंड ये नहीं बताया हमें कि वो किस रेशो में उस हिस्से को ले रहा है, मतलब उतना प्रॉफिट किस रेशो में पुराने पार्टनर से वो लेगा, ओके। तो ये आपको क्लियरली नहीं बताया, तो इसका मतलब वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने, नया जो शेयर लेगा वो पुराने पार्टनर से पुरानी रेशो में ही लेगा। तो सेक्रीफाइस क्या करेंगे पुराने पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
we are going to solve this aspect. Okay. So, in this case, sacrifice will be 5:3. Okay. New ratio will be, okay, you can have that since D came with 1/4 share, and this 1/4 share ratio is sacrificed in 5:3, means 1/4 into 5/8 and 1/4 into 3/8. So that is 5/32, and here it is 3/32. Okay. Now what we have to do is that 5/8 minus 5/32. 3/8 minus 3/32. And here it is 5/32 plus 3/32. That means 32, 20 minus 5, 32, 12 minus 3, and it is 8/32, or 15:9:8. This is the new ratio in okay, ये तो हो गया S R D का रिलेशन. अब हमें ये निकालना है. ओके, तो K is getting 1/6 शेयर equally from S R and D. ओके, सो K का जो शेयर है 1/6 into 1/3, 1/6 into 1/3, 1/6 into 1/3, that is 1/18, 1/18, 1/18. किससे ले रहा है? S R D से वो ले रहा है इस रेशियो में अपना हिस्सा. ओके, मतलब तीनों सैक्रिफाइस किस रेशियो में करना है? इक्वली. पहले वाले हमने सैक्रिफाइस कितने में किया था? 5:3 में किया था. पहले S और R में D को ऐड करते हैं, किस में सैक्रिफाइस किया? 5:3. और यहाँ सैक्रिफाइस किस रेशियो में आ रहा है? 1:1:1. ओके, तो ये तो आपके पास सैक्रिफाइस था. अब न्यू रेशियो, न्यू रेशो कितनी आ जाएगी आपके पास? ये है 15/32 माइनस 1/18. फिर है 9/32 माइनस 1/18, एंड देन 8/32 माइनस 1/18, एंड देन इट इज 3/. ओके, तो ये आपके पास कंडीशन बन गई है. अब हम इसको कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं. कैसे? तो 32 and 18 लगा 18. अब क्या आ जाएगा आपके पास? 20. तो यहां क्या है? S की 15 है, 15 into 9 9 5 135 माइनस 16/9.
9 32 81 minus 16 by 288. Okay, then 72 minus 16 by 288 and 8 3 by 18 into 16. ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा 119 ratio 71 and 65 ratio 62 and 56 ratio. ये आपकी न्यू रेशियो बन जाएगी। ओके फाइन, तो ये आपके पास इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसमें दो कंसेप्ट इकट्ठे दे दिए, पहला कंसेप्ट एंड सेकंड कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट में क्या था कि नया पार्टनर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को, उस नए पार्टनर को जो शेयर देना है वो किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो सेक्रीफाइस रेशियो किसमें होगी, ओल्ड रेशियो में ही होगी। ओके, अब उसके बाद हमने उसका शेयर काउंट कर लिया। अब नया पार्टनर जो सेकंड केस में आ रहा है उसमें उसने स्पेसिफिकली बताया कि जो न्यू शेयर होगा, न्यू पार्टनर आएगा, वो अपना शेयर इक्वली लेगा तीनों पार्टनर से। तो सेक्रीफाइसिंग 1:1 होगा। ओके, 1:1 में सेक्रीफाइस करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो सेक्रीफाइस है वो माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो में से एंड देन वी विल कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड केस। फाइन, केस नंबर 3 इज हियर। केस नंबर 3 सेज कि व्हेन द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशो। ठीक है जी, पहले हमने क्या कहा था, नया पार्टनर आया, बताया ही नहीं किस रेशो में, तो ओल्ड में हमने कैलकुलेट कर लिया था। फिर हमने क्या कहा कि नया पार्टनर आ रहा है तो वो इक्वली लेगा सबसे। अब हमने क्या कहा है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर रेशो में लेगा किससे, ओल्ड पार्टनर से। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। अब यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ये क्या कह रही है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कितने के लिए, 7:3 के लिए। ओके, एंड सी वॉज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी को कितना दे रहे हैं हम, 3/7 शेयर। ओके, और वो एक्वायर कर रहा है, यहाँ पे परचेज, एक्वायर मतलब परचेज कर रहा है ए से 2/7 एंड बी से 1/7। ओके, ए से 2/7 एंड बी से 1/7। ओके जी, तो ये अपने मतलब 2/7 फ्रॉम ए उसने ले लिया और बी से उसने 1/7 शेयर ले लिया। ओके, तो ये अब आपके पास है, तो मतलब सेक्रीफाइस ए और बी ने किस रेशियो में किया, 2:1 आपके पास क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपने जब परचेज इतना कर लिया, 2/7 आपने ए से परचेज किया, 1/7 आपने बी से परचेज किया, ठीक है, तो
आपके पास सेक्रीफाइस कितना आ गया, 2:1, तो न्यू रेशियो क्या आ गई, 7/10 - 2/7, 3/10 - 1/7, और फिर आपके पास क्या आ गया, 2/7 + 1/7, ये कितना आ गया, ओके, फाइन, यहाँ पे कितना आ गया, 29:11:30, ओके, ये आपके पास। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ये ए केस था, बी से देखते हैं। क्या कह रहा है, राम एंड श्याम आर पार्टनर इन ए सॉन्ग, कितना है, 7:5, ओके। मोहन इज एडमिटेड कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर, ठीक है जी, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। अब ये किस तरह से जा रहा है, 1/24 and 1/8, ठीक है जी, तो 1/24 + 1/8 करके देख लो, 1 + 3/24, तो 1/6 क्लियर, ओके। तो सैक्रिफाइस किस रेशियो में है, सैक्रिफाइस विल बी 1/24 ratio 1/8 और 1:3, क्योंकि इसको अगर तो ये आपके पास सैक्रिफाइस के रेशियो में आ गया 1:3 में। अब न्यू रेशियो निकालनी है, -5/12 - 5/12, और फिर क्लियर, 24 14 - 1, ये कितना आ गया, 96 40 - 12, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है जी, ये आ गया 13/24, और फिर 28/96 और 4/24 और 13/24 को 4/4 से कर दें, 28/96 वैसे का वैसे, 4/24 को भी 4/4 से कर दें, लेकिन ना क्या, ओके, तो 4 से अगर कर दें या इसको ऐसे की कर दें, ये आ रहा है आपके पास, तो 13:7:4 कर दें, ये 4 से गया 7/24, ओके, तो न्यू रेशियो विल बी
3:7:13:7:4 will be the new ratio, and that is how case 3 is to be done. Okay. एक और यूनिट कर लेते हैं एंड फाइन दैट इज लेट्स डू वन मोर इलस्ट्रेशन हियर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स A, B, and C are partners with the profit sharing 3:3:2. Okay. They admitted D as a partner. D ko admit kar liya 1/4 share of profits ke liye. D acquired his share 2/7 from A, 1/7 from B, and 1/7 from C. 2/7 A से, B से 1/7, C से 1/7. तो sacrifice क्या हो गया? 2:1:1. ये तो sacrifice हो गया. अब न्यू रेशो आ जाओ थ्री बाय एट माइनस टू बाय सेवन थ्री बाय एट माइनस वन बाय सेवन टू बाय एट माइनस वन बाय सेवन ओके और लास्ट हमारे पास 2+1+1/4 इट इज 56 ठीक है जी 5/56 13/56 5:13:6:32 Okay. So that is how the new question, this question will be solved. Okay. Then we have the next illustration, that is illustration number 6. Okay. Illustration number 6 is there. Lucy and Jenny were partners. Okay. Profit sharing kitni hai? 4:3. And now they are admitting Ellen as a new partner for 1/5 share. 20% profits ke diya, to usne 1/5 share. He acquired it in ratio 1:2. Matlab 1/5 × 1/3, 1/5 × 2/3. That is 1/15 and 2/15. Ye usne kiya. Calculate the new profit sharing ratio. To sacrifice kitna ho gaya? 1:2. ओके अब न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है हमें ओके तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगी 4/7 − 1/15 3/7 − 2/15 एंड 1/15 + 2/15 ये हो गया 105 60 minus 7, 105,
45 माइनस 14 और ये 15 है, यहाँ पर ये कितना गया 53/105, फिर आ गया 31/105 और 3/15 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आएगा 53:31 Okay. So this is how the question is. Next illustration is में कह रहा है 3-2-2 की है और D is a new partner. He has acquired the share from ABC in 2:2:1. तो 1/5 को 2:2:1 में divide कर दो. 1/5 × 2/5. 1/5 × 2/5 एंड 1/5 × 1/5 तो कितना आ गया ए से 2/25, बी से 2/25 एंड सी से 1/25 उसने हिस्सा लिया है. ओके अब जो ओल्ड रेशियो है उसमें से ये आप 3/7 में से 2/25 माइनस कर दीजिए, फिर 2/7 में से 2/25 माइनस कर दीजिए और फिर 2/7 में से 1/25 माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 2:2:1 एंड दिस इज हाउ इलस्ट्रेशन 6 इज डन. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.